हम आपको आज आर्टिक्स माइनक्राफ्ट आर्टिक का स्वाद चखाएंगे। आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे हमने यहाँ पे एक आर्टिक का जिप फाइल दे रखी है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, आपको आर्टिक्स मिल जाएगा। आगे का स्टेप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए गाइस। लिंक डाउनलोड होने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है जेड आर्चीवर। ये ऐप आपको नीडेड है अगर आपको आर्टिक्स लाना है अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, तो ये ऐप आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आपको फिर इस जेड आर्चीवर ऐप को ओपन कर लेना है, फिर आपको आप ये डाउनलोड्स पे जाना है। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड्स है, इस पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये देखो, ये BSL शेडर्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर मत करना आप इसको, आप इसको करना एक्सट्रैक्ट। ये फोर्थ वाला ऑप्शन चूज़ करना, एक्सट्रैक्ट, इस पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ से टैप करके आपकी डिवाइस मेमोरी में जाना है। यहाँ पे इस डिवाइस मेमोरी पे जाके आपको यहाँ पे गेम्स देख लेना है। ये देखो गेम्स ये रहा, तो इस गेम्स पर टाइप करके आपको ये com.mojang जाना है। ये अपना माइनक्राफ्ट का फोल्डर है, यहीं पे आपको सारे काम करने हैं। अब इसको ओपन करने के बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज पैक दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पे आपको इस वाले बटन को क्लिक कर लेना है। मेरे केस में मैंने पहले कर चुका था तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपको बस नियरली सारा काम हो चुका है यहीं पे, बस अब आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। तो गाइस आपको जेड आर्चीवर से अपने गेम से मोजैंग वाले में डाल के आपको अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन ओपन कर लेना है। 1.17.10 जो भी आपका वर्जन हो सब पे काम करता है, ये सब पे वर्क करता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्सेज है, इस पे टैप करना है आपको। फिर यहाँ पे माय पैक्स पे देखना है, यहाँ पे आपको वो वाला शेडर मिल जाएगा BSL रे ट्रेसिंग, तो आपको इसको एक्टिव कर लेता है। तो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, देखो यहाँ पे एक्टिव में आ चुका है। एक बार आप चेक कर लेना यहाँ पे आए, अगर नहीं आता तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ से करना है इसको, देन ये लोडिंग रिसोर्स पे लेगा 1-2 सेकंड, देन आपको यहाँ पे प्ले कर लेना है। बस आप अपना जो भी वर्ड बनाओगे वहाँ पे ये आपका आ जाएगा। ये तो अपने स्टेप से कि आपको उस शेडर डाउनलोड कैसे करना है। अब आप इस शेडर की ग्राफिक पे आते हैं, चलो लेट्स मूव ऑन ग्राफिक्स। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, आपको वर्ल्ड में खेलना है तो एक बार वर्ल्ड में भी इसको एक्टिवेट कर देना, वरना उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्या पता है। तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड में भी एक्टिव कर देना है, रिसोर्सेज पैक में, बिहेवियर पैक में तो होगा नहीं है। और अगर आपको चाहते हो कि आपको दोस्त भी देखे, तो इसको रिक्वायर्स प्लेयर्स टू एक्सेप्ट रिसोर्स पैक कर लेना। जो भी आपके प्लेयर ज्वाइन होंगे तो उनको भी वही शेड दिखेगा। अब मान लो आपको फ्रेंड्स ज्वाइन होते हैं तो उनको भी वही शेड दिखेगा जो आपको दिखेगा, अगर आप ये वाला सेटिंग ऑन कर देती हो। तो मैं इसको ऑन रखूँगा और हम अपने वर्ल्ड में चलते हैं फिर। तो गाइस ग्राफिक देखो, देखो पानी का रिफ्लेक्शन देखो, और ये लावा है, ये पानी का रिफ्लेक्शन लग रहा है। भाई मज़ा आ रहा है, देखो जैसे नाइट का व्यू है यहाँ पे अभी, देखो तो ओपी लग रहा है। पानी के वो देखो ऐसा लग रहा है नहाले, बस इतनी शानदार ऐसा लग रहा है, पानी इतना प्योर एकदम नहाने टाइप। वाह भाई मज़ा आ रहा है, देखो इतना ओपी, देखो लावा देख लो, ये लावा देखो, पानी कितना चमकता है रात के टाइम पे, रात का व्यू दिखाते हैं आपको। पानी देखो ऐसा लग रहा है कोई अमृत पानी क्या भाई, इतना चमक रहा है, ऐसे लग रहा है प्यूरीफायर साफ किया सही में। देखो यहाँ पे रात का व्यू देखो, कितने से तारे देखो, चांद देखो आधा, इसमें से रेक्टेंगल चांद से बोर हो गए होंगे आप लोग, है ना। ये देखो गोल चांद देखो आधा, ये तो अभी आधा है, और वाह भाई बड़ा सही है। तो गाइस कितने शॉपी ग्राफिक है यहाँ पे, ये देखो भाई बड़ा मज़ा आता है। देखो यहाँ पे शेडो भी दिखती है यहाँ पे, ये जो अभी रात का सीन दिखा रहे हैं आपको, देखो ये बर्फ़ अपनी, ये देखो बर्फ़ है, फिर ये पानी है, ये लग रहा है कोई पानी है, अभी रात का सीन लग नहीं रहा पानी है, देखो पानी कितना ओपी लग रहा है। और देखो ये भाई कहाँ का नया है भाई, पाउडर देखो कैसे पानी के ऊपर है, देखो वाह भाई बड़ा ओपी। अब अपन एक बार डेका महल देखते हैं यहाँ पे। कैसे पहले बता दूँ, आप इसको 2GB रैम वाले मोबाइल में ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्रैश होने का बहुत डर रहेगा, क्योंकि ये बहुत हाई एंड शेडर्स है, तो ये मिनिमम 2GB में 3GB में चल जाएगा, अच्छे मिनिमम चल जाएगा, डिसेंट सी फीलिंग आएगी 3GB में, 4GB में ठीक ठाक चल जाएगा, 6GB में भी ठीक ठाक चल जाएगा। अगर आप चंक करके करोगे तो बहुत स्मूथ चलेगा, मेरा बहुत हाई चंक है, मैं इसको भी कम कर देता हूँ वरना फिर मेरा चलेगा नहीं अच्छे से मेरा वीडियो। यहाँ पे वीडियो पे जाके चंक कम कर देते हैं,
आप भी ऐसे कर लेना वरना आपका बहुत लैग मारेगा। मेरे को 22 चौंके फुल ऑन, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। इसको अपन 12-10 पे परफेक्ट है। अब देखो बिल्कुल लैग नहीं मारेगा अपना, तो स्मूथ रन कर रहा है, पूछो मत। जो बर्फ़ वाली जगह पे है, सिंपल जगह दिख नहीं रही। ये देखो अपना शेडो की टोप ही लगता है, देखो हमारा तो चलेगा ना, पैर ही लगा है बड़ा ओपी, ये पैर बड़ा ओपी जाता है। और ये देखो ये अपनी वो वाली घास आ गई शायद, ये स्नो वाली जगह पे, तो इसको ऐसे एक्स्ट्रा से मिल रखे, ये बड़ा ओपी है। देखो ग्रीन ग्रीन सी फीलिंग आ रही, इसके बर्फ आ गई ना इसलिए देखो ऐसी फीलिंग आ गई इसमें। देखो इसमें बड़ी ओपी चीज़ है ये, देखो शेडोज कितनी ओपी लग रही है इसमें शेडोज भी। अभी सूरज किस टाइम पर पानी दिखाऊ दिखाता, पर मेरे को वो सिंपल बायोम मिल नहीं रही है जी, सिंपल है ये बार मैं आपको मिलता हूँ सिंपल बायोम ढूंढने के बाद। तो गाइस हमको आपकी रिवर मिल चुकी है, यहाँ पे देखो कितनी ओपी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है पानी है भी क्या, साफ़ सुथरा पानी कर दिया एकदम, आर पार पूरा दिखता है यहाँ पे, और बड़ा ओपी लगता है यहाँ पे। देखो मछली देखो बाहर से दिख रही है, ओहो भाई क्या चमकती चीज़ है, देखो मन करता है नहाते रहो यहाँ पे, तो ओपी पानी। अभी लेदर भी चल के देखते हैं आपको, लेदर भी दिखाते हैं, अरे हाँ इसमें वो भी दिखाते हैं आपको केव, यहाँ पे कोई केव है केव, क्योंकि ग्राफिक्स में बहुत बार केव, ये देखो लग रहा है पानी है पर है यहाँ पे पानी, पास जाके देखो तो पानी है यहाँ पे। यहाँ पे नेदर चलते हैं, बस शायद नेदर के यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्मेशन होगा नहीं, तो एक बार नेदर चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस चलो नेदर चलते हैं, ये नेदर बनाया और चलो। अभी बड़ी अजीब आवाज़ आती है यहाँ पे भाई, ऐस तैस, अरे भाई बचाओ इतनी लाउड। ओ भाई आ गए आ गए, ये देखो नेदर में भी मतलब बहुत ओपी दिखता है ये, क्रिस्क्रिप्शन बायो में है, देखो क्या फीलिंग आ रही है ना, लाल लाल एकदम बड़ा ओपी दिखता है नेदर में भी। इसमें ज़्यादातर ग्राफिक शेडर्स नेदर में इतने हिन्स होते हैं, पर ये भी नेदर में इतना परफेक्ट भी नहीं, पर ठीक ठाक क्वालिटी देता है, डिसेंट सा है थोड़ा, जितना बुरा है इतना ज़्यादा अच्छा है। अरे जल्दी से इधर आ गया, चलो कोई नहीं घर ही चलना था, जो घर ही चलते हैं कोई मतलब अपने ओवर वर्ल्ड चलते हैं। अरे यहाँ पे एंड का भी देखे क्या आप, चलो एंड वैसे इतना ज़रूरी है नहीं। और ये देखो कितना ओपी लगता है यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पे पेड़ भी हिलते शायद, देखो पेड़ हिल रहा है यहाँ पे, सूरज देखो मेरे सूरज चाचा बड़ा ओपी लग रहा है। यहाँ पे बारिश की टाइम दिखाता हूँ क्या, बारिश के टाइम में क्या पता, वैसे मैंने देखा नहीं तो बारिश टाइम खुद से रेन आ रही है। ये देखो ओहो नहीं वैसे मुझे लगा वो आएगा ना इसमें, अगर आप चाहते हो इससे मतलब थोड़ा हल्का सा और ओपी चीज़ दिखाओ तो कमेंट बिलो, वैसे थोड़ा मुश्किल है पर दो तीन अगर शेड इसको मिक्स करके दिखाओ तो इजी होगा। तो देखो ये देखो यहाँ से इसके ये ऐसे देखो ऐसे लाइन से नहीं बनती पैटर्न है कुछ ऐसा आ रहा है, ये बारिश नहीं आता है देखो, बड़ा सही है भाई। मेरे को कमेंट डाउन करना अगर आपको इस शेडर में सर्वाइवल सीरीज चाहिए तो, क्योंकि वैसे मैं मुश्किल से सर्वाइवल सीरीज आने का इस शेडर में, क्योंकि यू नो ओरिजिनल माइनक्राफ्ट पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और वैसे वो खेलने में भी थोड़ा इसकी आदत ज़्यादा है, इसकी आदत नहीं, पर अगर आपको शेडर्स की तलाश है अच्छी खासी पॉकेट एडिशन में तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर बाकी शेडर्स भी है बहुत सारे पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देते, वो ज़्यादा 2GB रैम के लिए एकदम ऐसे डिसेंट शेडर होता है, उनमें वैसे वो क्वालिटी नहीं होती, वो बात नहीं होती, तो ये शेडर आपको अच्छी क्वालिटी दे सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन, मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल दे चुका है वीडियो में, तो बाय बाय, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना गेमिंग विद माधव को, या मेरे को कुत्ते भी है भाई, इतना बाय बाय बोल बहू, बाय बाय बोलना था भाई, बाय बाय गाइस।